गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा। नवाब साहब आ गए हैं? अरे आ जाएगा, इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है। हाँ? टाइम तो लगेगा ही ना। इंटरव्यू? आज नवाब साहब इंटरव्यू देने गए हैं? आज मेरा बेटा सुबह सुबह उठा और उसने जिम किया, तैयार हुआ, फिर बढ़िया टाई शाई लगाकर इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अरे वाह, आज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से कैसे निकल गया, ये तो कमाल हो गया जानकी। अजी ये कमाल तो अब रोज ही होगा, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि आगे क्या कमाल हुआ। क्या कमाल हुआ बताओ? जब आप सो रहे थे हाँ? तो वो आपका पाँव छू कर गया। हाँ? जानकी तुम सच कह रही हो? मेरा बेटा मेरा पैर छू कर गया? मैं आपसे कभी झूठ बोलती हूँ क्या जी? नहीं जानकी नहीं। मैं सोया ही रह गया, अपने बेटे को मैं अपना आशीर्वाद भी नहीं दे पाया। खैर कोई बात नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुंह मीठा करूंगा फिर खाना खाऊंगा। पापा। क्या बात है बेटी? एक नहीं चार खाइए, चार। चार क्यों? इसलिए क्योंकि मूड कड़वा होने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं बेटी। अरे भैया को इंटरव्यू देने नहीं गए हैं, वो तो कल के गए और अब तक नहीं आए। इंटरव्यू देने नहीं गया है? मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, फांसी पर लटक जाऊंगा, पुल के ऊपर से कूद जाऊंगा। अरे यार मरने के सारे फॉर्मूले बता दिए लेकिन अभी तक उस लड़की का नाम नहीं बताया। क्या नाम है उसका? क्या उसका नाम बताऊं यार, इतने अरमान से मैंने अपना दिल उसके हाथ में दिया और उसने गुब्बारे के जैसे फट करके फोड़ दिया। 6 महीने तक हम लोगों ने खूब गुटरगु किया और कल अचानक ही एक झटके में फुर्र पंख फैला के उड़ गई। मेरा दिल चकनाचूर हो गया भाई, मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया। एक घंटे से तेरी बकबक सुन के अपुन के कान पक गए ले। पता है उस लड़की ने तेरे को काय को छोड़ दिया? ये हम दोनों दोस्त के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। ये है नरम वो है गरम, एक बार उससे मुलाकात करवा दे मर्दानगी का मजा चखा देगा। क्या मिर्ची लगी? लगता है तेरे दोस्त के माल पे तेरी नजर है। Oh!
एक पंच और ठोक देता तो तेरी मर्दानगी का सारा पावर हाउस फ्यूज हो जाता। ए बाप, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, मुझे माफ कर दे। जल्दी से उस लड़की का नाम बता दे, नहीं तो जिस आलू और मूली पर तुझे गुमान है मैं वही दोनों उखाड़ दूंगा, समझे? ओमा, रोमा। मुझे अच्छी तरह पता है टेढ़े रास्ते पर चलने वाले लोग सीधे रास्ते से घर में नहीं घुसते। ये लो, आ गए तुम्हारे सुपुत्र। इंटरव्यू देके? हाँ हाँ, इंटरव्यू देकर। अरे नालायक, जितना मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है उससे ज्यादा इस पर तरस आ रहा है जिसने तुझे अपने सिर पर चढ़ा कर रखा है। कल सुबह मैं तेरी खबर लूंगा। गुड मॉर्निंग चिंटी बेटा। अजी आज संडे नहीं है, चिंटी आज स्कूल गई हुई है। अच्छा, नवाब साहब कहाँ पर हैं? जरा बुलाओ उनको। वो भी सुबह सुबह उठ के पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, जिम किया है कि नहीं? पैर तो तुम्हारे जरूर छुए होंगे। आज मैं उनके पांव छूकर आता हूँ। पकड़ो इसे। पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। लो, देख लिया ना, हो गई तसल्ली। मुझ पर तो विश्वास ही नहीं, झूठ मूठ बाप बेटा के बीच मैं पिस जाती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप ही संभाल लेना ये घर बार। ए जानकी सुनो, लो मुंह फुला कर चली गई। ये मेरा बेटा मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा और ना सुधरेगा, अपने साथ साथ मुझे भी सुनवाएगा। पता नहीं कहाँ चला गया और क्या गुल खिलाता होगा। बस 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 बस, यही उससे कैफे है, रोक ना यार। उस लड़की को दिखाओ जिसने तुम्हारे प्यार का पकौड़ा बना दिया। देख भाई, मुझे लेके मत चल, कहीं बात बनने के बजाय और बिगड़ ना जाए। मैं रमा का गुस्सा जानता हूँ, तुम अकेले जाओ और उसे समझा कर गाड़ी पटरी पे ले आओ, जरा प्यार से। अरे यार ये तो बताओ, रोमा है कौन? वो जो इनकाउंटर पे, वो जो काउंटर पे खड़ी है ना, वही। तो यही रुक, मैं उसे ठीक करके आता हूँ। भाई भाई भाई, मोहब्बत का सवाल है भाई, मामला जमा के ही आना प्लीज। भरोसा रख, आज के बाद रोमा तुमसे फेविकोल की तरह चिपकी रहेगी। है अरे भाई, तुम पे पूरा विश्वास है, ये काम तू ही कर सकता, तू ही मेरा भाई है यार। सुन, बजरंग बली का नाम लेके जा। हाँ, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, फेविकोल की तरह चिपक जाए। ए मैडम। अबे, तुम अपने आप को समझती क्या हो? माधुरी दीक्षित, करीना कपूर या कैटरीना कैफ, क्या चाहती हो तुम? तुम सबका दिल तोड़ती चलोगी और तुम्हारे पीछे लोग दीवाना बन के घूमते रहेंगे? अरे तुम क्या समझोगी प्यार का मतलब? तुम्हारी जैसी ही लड़कियां प्यार को तमाशा समझती हैं। अरे रुक जा रे पहलवान। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, दिल के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा मैं। आंसू? अच्छा, औरत का सबसे बड़ा हथियार ये आंसू।
लेकिन मैं इस बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। आज फैसला होकर रहेगा। तुम्हें वापस चंदू को अपने गले से लगाना पड़ेगा। चंदू मेरा दोस्त है, उसकी हालत मैंने देखी है। अगर मैं नहीं रहता तो कल उसने जान दे दी होती। दिल तो उसका ले ही चुके हो तुम, अब जान भी लोगी क्या? जय बजरंगबली। एक्सक्यूज मी, रूमा वो नहीं, मैं हूं। तो फिर वो कौन है? राधा, बिना मतलब उस बेचारी को कितना कुछ सुना दिया। चंदू अब कैसा है? सच में मैंने कल चंदू को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। उसे कह देना कि मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ और वो भी टेंशन लेना छोड़ दे। लेकिन वो रहती कहाँ है? कौन, राधा? हाँ। इतने जोर का थप्पड़ खाने के बाद भी? हाँ, इतने जोरों का थप्पड़ खाने के बाद ही। डिलीवरी बॉय मैडम। राधा, क्या है? तुम जाकर डिलीवरी ले लो। ठीक है। यस। yes! उदास होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं रोमा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो मेरा चेहरा देख के ऐसे भड़कती है जैसे मैं इंसान नहीं शक्ति कपूर हूं यार। और ये सब कुछ इसी के वजह से हुआ है। ये देखो। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो और मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें वो लड़की पसंद आई जिसे तुम सॉरी बोलने वाले हो। ओफो, तुम दोनों यहाँ लड़ने के लिए आए हो या कोई रास्ता निकालने के लिए? कौन सा रास्ता निकलेगा रोमा? शायद मेरे नसीब में राधा का प्यार लिखा ही नहीं है। इतनी जल्दी हार मान गए? नसीब भी खुलेगा और राधा का प्यार भी मिलेगा, लेकिन इस बार आइडिया मैं दूंगी। कैसा आइडिया? समझा? हट। ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर राधा को पाना है तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। किस्मत फूट गई, जुड़ने से पहले रिश्ता टूट गया। अरे अरे पिंकी, क्या बात है, आखिर क्या हुआ? क्या बताऊँ रोमा, कमिश्नर रघुबीर प्रताप के लड़के से मेरा ब्याह तय हुआ और उसने शादी से मना कर दिया। कौन? वो वीर? अरे तो रो क्यों रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। वो एक नंबर का लुच्चा, लफंगा और आवारा लड़का है। अगर उससे तेरी शादी हो गई होती तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नहीं नहीं नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं, आबाद हो जाती।
ऐसा प्यार करने वाला दीवाना तो मैं पहली बार देखी हूँ जो किसी के प्यार में पागल बना है। काश वो लड़की मैं होती रहे। वो कौन सी लड़की है जिसके प्यार में वीर पागल है? राधा के। क्या वो उसी के प्यार में पागल बना है, उसी के नाम का माला जपता रहता है। तो क्या राधा को पता है कि वीर उसके प्यार में पागल है? पता नहीं, लेकिन मेरे पापा उसके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, लाखों का दहेज, करोड़ों का बंगला, यहाँ तक कि फैक्ट्री भी उसके नाम करने को तैयार हो गए, फिर भी मना कर दिया। जानती हो क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? कहने लगा मेरे प्यार के आगे तो ये धन दौलत सब बेकार है, क्योंकि मेरा प्यार तो अनमोल है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। कमिश्नर साहब तो धमकी भी दिए उसे कि राधा को भूल जाओ, नहीं तो घर से निकाल दूंगा मैं। तो वीर ने क्या कहा? कहने लगा कि घर से निकाल दो चाहे दिल से पापा, लेकिन राधा का साथ नहीं छोड़ सकता, उससे जुड़ा प्यार का बंधन नहीं तोड़ सकता। कितनी तकदीर वाली है राधा, जिसे ऐसा दीवाना प्यार करने वाला मिला। मेरा तो नसीब ही खराब है। हे भगवान। अच्छा राधा, तो तुम्हारा और वीर का प्यार यहाँ तक पहुँच गया और मुझे खबर भी नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है रोमा, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि वीर मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो आखिर इसमें बुराई क्या है? आजकल के जमाने में ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलता है? हम है ना जाने मन, अपन प्यार भी करेगा और दीदार भी। कौन हो तुम लोग? आशिक, आवारा, पागल, दीवाना, भौरा। किधर भी ताजा फूल दिखे तो उसका रस चूस लेता। तुम लोगों को रस तो आज मैं पिलाऊंगी भैया। बताइए मैडम, क्या हुआ था आपके साथ? इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेरी सहेली हमारे कैफे के बाहर खड़े थे, उतने में ही चार लड़के आके हमें छेड़ने लगे, तो वीर ने आके हमें बचाया। इसमें वीर की कोई गलती नहीं है। साहब,
ये कमिश्नर साहब का बेटा है। बेटा या बेटी? तुम भी खेलना चाहते हो? एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लो खेलो। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। तो ये नौबत यहां तक आ गई। हाँ पापा, नहीं 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 बेटा नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है। तुम्हारी इस हरकत का फैसला मैं यहां नहीं, तुम्हारी मां के सामने करूंगा। मां? हाँ बेटा, तुमको इस रूप में देखकर वो कितनी खुश होगी। हाँ? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने बेटा पैदा किया था, पर ये बेटी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं भगवान? अरे ये रोना धोना बंद करो जानकी, ये अपने आंसू बचा कर रखो, इसकी विदाई में काम आएंगे। विदाई? हाँ, तुम हमेशा कहती थी ना कि इसके लिए दुल्हन ढूंढूं, अब दुल्हन नहीं, दुल्हा ढूंढना होगा। दुल्हा? दुल्हा? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये बेटी कैसे हो गया? मैं क्या करूँगा? अब दादा से क्या पूछ रही हो, अपने आप से पूछो। हमेशा इसकी गलतियों को छुपाती रहती थी, अब तुम ही भोगो भोगो। ऐसे क्या देख रही है? मां से बोलो कि मैं चेंज नहीं हुआ हूं, अभी वही हूं मैं। जी दीदी। चुप हो जाओ मम्मी, भैया दीदी नहीं बने हैं, भैया अभी तक भैया ही हैं। मैं सॉरी बोलने आई हूँ। वो तो बोल चुकी हो तुम। मैं थैंक यू भी बोलने आई हूँ। जल्दी बोलो और रास्ता छोड़ो। ए, मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुमों की नखरे दिखा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? यही ना कि उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था? अगर ऐसी बात है तो तुम भी मार लो। ठीक है फिर, आंखें बंद करो। तो क्या सच में मारोगे? हाँ, लेकिन आंखें खुली रहेंगे तो नहीं मार पाऊंगा मैं। बंद करो। साथ नहीं है छूटेगा, कुछ कर ले दुनिया वाले 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 वाले। साथ नहीं है छूटेगा, कुछ कर ले दुनिया वाले, पहरे लाख बिठा दे दरवाजे पे लगा दे ताले। अब कोई कुछ भी बोले, अपनी राह ना रोके, प्यार किया है तो फिर किसका है डर। अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर। अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर। हाँ,
पिक्चर की दो टिकटें बुक रहेंगी डेलिया, दोनों हॉल में बैठेंगे बाहों में बाहें डाल, बारिश में छाता लेके हाथों में ठंडा लेके प्यार करेंगे दिन हो या दोपहर। अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर। जमाएंगे हम ऐसा जल्दी होगी शादी, होटल में हनीमून की होगी अपनी भी आजादी, हा 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 धूमधाम से शादी होगी पक्का होगा बंधन, मियां बीवी जाएंगे हनीमून की खातिर लंदन, लंदन की शाम होगी बातें तमाम होगी, ना होगी हमको किसी बात की फिकर। अपनी जवानी है टमाटर कलर, हाँ अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर, अपनी जवानी है टमाटर कलर। एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ? आपके जूते के लेस खुले हुए हैं। ओह, खुली हुई चीजें बहुत जल्दी देख लेते हैं। वेलकम। अब क्या उस लड़की को घर तक पहुंचाएंगे क्या? घर तक नहीं, इसे घाट तक पहुंचाऊंगा। ए, जी? लड़की का पीछा करो और पता लगाओ कहां रहती है, जाओ। भैया जी फोन। हेलो। जय माता दी छोटे। जय माता दी भैया। प्रणाम भैया, क्या हाल है? उस लड़की का पता चल गया। क्या? ओ, कहाँ पे भैया हो? यहीं मेरे ही शहर में। जय हो काली माता। धन्यवाद माता। भैया उस लड़की का ख्याल रखना भैया, वो मेरी देवी है भैया, उसका ख्याल रखना भैया। तू टेंशन ना ले छोटे। चल पकड़ उसे। रुक। छोटे आओ आओ। अरे खुश रहो छोटे, खुश रहो। नमस्ते भैया। ओ लड़की कहाँ पर है? अरे छोटे पहले अंदर तो चल, मिल जाएगी छोटे, मिल जाएगी।
वो लड़की जाएगी कहां? वो लड़की शहर में नहीं, शेर के चंगुल में है। बहुत जल्द उसकी कुंडली तुम्हारे सामने होगी। सामने होगी? सामने होगी मतलब क्या भैया? उसका वो अभी तक उसका पता नहीं चला क्या? मतलब क्या भैया? हमको माफ कर दीजिए सर, कल दिन भर उसका मैंने पीछा किया पर वो हमें चकमा देके निकल गए। क्या रे, 2000 किलोमीटर दूर से मैं अपनी राधा के लिए आया हूँ और तू तेरी एक गलती की वजह से। काली 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 छोड़ दे इसे, काली छोड़, अब काली काली छोड़ दे इसे, छोड़ चचा। काली शांत शांत धीरज रखो। देखो काली, ये पूरा का पूरा शहर मेरी हथेली पे है। अगर मैं मुट्ठी बंद कर दूं तो पूरा का पूरा शहर मेरी मुट्ठी में समा जाएगा। तो फिर वो लड़की किस खेत की मूली है? भैया, उस लड़की के साथ मेरी जिंदगी का तार जुड़ा है भैया। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, बहुत मानता हूं, देवी है वो मेरी। और अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो शहर में आग लगा दूंगा, खून की नदियां बहेंगी, यहां काट काट के आदमियों को फेंकता रहूंगा। सोच लीजिए आप, एमपी है आप, यहां के आपकी जिम्मेदारी है। राधा, ए राधा, मेरी जान हो तुम, मेरी हर धड़कन हो तुम। राधा, तुम सिर्फ मेरी हो, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। भैया जी, बड़े मालिक आपको घर से बाहर जाने के लिए मना किए हैं, आप घर में ही रहें। मैं रास्ता काटने वाली बिल्ली और रोकने टोकने वाले कुत्तों को गोली मार देता हूँ भैया। आइंदा रोका ना तो पूछूंगा नहीं, भेजा उड़ा दूंगा। हट। आगे ये कितनी बार कहा कि गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, समझ नहीं आता है क्या? ये तेरे बाप की सड़क है क्या? बाहर निकल, तो अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी से चिपका के रखेगा। अरे क्यों मार रहे हैं आप उसे? ये ले, पहुंच चुका है। छोड़िए उसे, क्यों मार रहे हैं? हट, हमारे हमारे ऊपर हाथ उठाए। तू मुझे रोकेगा। रोक मुझे, रोक। पागल हो गए क्या? कोई नहीं रोक सकता।
बंगाली, ये तुम्हारा बिहार नहीं, मुंबई है मुंबई। इस तरह खुलेआम सड़क पे गुंडागर्दी का अंजाम पता है तुमको? अभी तक मेरी गुंडागर्दी कहां देखी कमिश्नर? हम बिहार के राजा हैं और तुम्हारे जैसे पुलिस वाले मेरे यहां दरबार करते हैं। ए काली, बिहारी मैं भी हूं और ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मुझे बिहारी शेर कहता है। आज मैं तुमसे कानून का दरबार करवाऊंगा। तुम मुझसे कानून का दरबार करवाएगा कमिश्नर? वहां का कानून भी मेरी मुट्ठी में है और यहाँ का कानून भी मेरी मुट्ठी में है। बहुत लोग ऐसे सपने देखते हैं मिस्टर काली, लेकिन कुछ लोग गोली के शिकार हो गए और कुछ लोग हवालात में सड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है कमिश्नर, तो चल मुझे हाथ लगा के दिखा। कमिश्नर तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मुझे गोली मार दो या तो हवालात में। चल हाथ लगा, छू हाथ लगा, लगाना हाथ। अच्छा ये ले, लगा दिया हाथ, उखाड़। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? काले कमिश्नर साहब, ये काली मेरा छोटा भाई है। आपका भाई और इतना बेलगाम? कमिश्नर साहब, काली जैसी घटना किसी के भी साथ घटेगी तो कोई भी बेलगाम हो जाएगा। अरे ऐसी कौन सी घटना घट गई है जो ये सारे कायदे कानून भूल गए हैं? बता रहा हूं कमिश्नर साहब, बता रहा हूं। कमिश्नर साहब आइए प्लीज। काली शांत। कमिश्नर साहब, बिहार के जिस खानदान से हमारा ताल्लुक है, उस खानदान में अपनी इज्जत मान मर्यादा के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। जिस लड़की के लिए इस काली ने अपना आपा खो दिया, वो लड़की काली की मंगेतर है। मंगेतर? हाँ कमिश्नर साहब, मंगेतर। काली से मंगनी होने के बाद वो लड़की हमारे खानदान की इज्जत मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला के किसी के बहकावे में आकर भाग कर यहां आ गई है, और काली उसी की तलाश में यहां आया हुआ है। हर बात के लिए कायदे कानून होते हैं दुर्गा जी। आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, कानून उस लड़की की तलाश करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कमिश्नर साहब, आप सबके साथ इंसाफ करते हैं, हमारे साथ भी करेंगे। लेकिन ख्याल रहे कमिश्नर साहब, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मुझ पर भरोसा रखिए एमपी साहब, उस लड़की को मैं ढूंढ निकालूंगा, उसकी तस्वीर मेरे पास भिजवा दीजिए। थैंक यू कमिश्नर साहब। काले चलो। सर उस लड़की का पता चल गया है सर। क्या? हाँ सर, मैं उस लड़की का अभी घर देख के आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी खबर लाया रे तू, दिल खुश हो गया। तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया रे बाबू, पहुंचा दिया। ये ले बाबू, मैं बहुत खुश हूँ बाबू। ले चल मुझे उसके घर, ले चल मुझे। चलिए सर चलिए। काली 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 मेरी बात तो सुनो काली। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। वाह क्या प्यार है। प्यार नहीं इसे पागलपन कहते हैं। तो ये पागलपन आप में क्यों नहीं है? चुप चुप। Thank you.
वही बदन की खुशबू, वही एहसास। कहता है दीवाना दिल तुमसे जान, तुझ पे है जिंदगी मेरी कुर्बान। कहता है दीवाना दिल तुमसे जान, तुझ पे है जिंदगी मेरी कुर्बान। जी ना सकूंगा होके जुदा, आई लव यू, आई लव यू ओ सजनी, आई लव यू। अरे लाइट क्यों चली गई? आए
I love you, Radha. कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you. राधा, I love you. काटे नहीं कटते राधा, राधा आई लव यू राधा, कहाँ हो तुम राधा, राधा राधा बाहर निकलो ना राधा, क्यों लुका छुपी खेल रही हो राधा, राधा I love you. राधा राधा राधा, ऐसे अपने अवघड प्रेमी से नहीं डरना चाहिए, कहाँ हो राधा, I love you. I love you. Love you. I love you. I love you. राधा 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 आई लव यू राधा 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 वो कौन आदमी है बोलो राधा, कौन आदमी है वो? वो बहुत खतरनाक खतरनाक आदमी है वीर, वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा वो वीर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा राधा तुम्हें। कौन आदमी है वो और उससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? काली, काली नाम है उसका, उसी के डर से मैं बिहार से यहाँ भाग के आई थी, बहुत बुरा इंसान है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ राधा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अभी तक तो वो कमजोर लड़की के पीछे पड़ा था, लेकिन अब उसका सामना तो मर्द से होगा, पर उससे निपटने से पहले तुम्हारे लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना होगा मुझे। जाओ काली, काली रुक, काली, काली छोड़ो, इससे पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, शांत, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत रहूं? कैसे शांत रहूं मैं? दिल में आग और दिमाग में ज्वालामुखी फट रहा है भैया। मेरी प्रेमिका, मेरी राधा, जो मेरी जिंदगी है, मुझसे बस एक कदम की दूरी पे थी,
मैं उसे नहीं छुपाया भैया, मैं उसे नहीं छुपाया। काली काली, वो लड़की भागकर जाएगी कहाँ? हाँ, शहर की गली गली चप्पा चप्पा छान मरवाऊंगा। तुम चिंता मत करो बाबू, तुम चिंता मत करो, वो लड़की बहुत जल्द तुम्हारे पाँव में अपनी नाक रगड़ेगी। मैं हूं ना बाबू, मैं हूँ। वो अकेली नहीं है भैया, वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक लड़का भी है। लड़का? हाँ भैया, वही लड़का तो मेरी आंखों के सामने से उसे भगा कर दे गया। छुआ होगा ना बदन उसका भैया, मेरे राधा का बदन कितना पवित्र है, कितना कोमल है, कैसे अपने हाथ से उसने कैसे हाथ पकड़ा होगा। भैया मैं एक ओगड़ प्रेमी हूँ भैया, और ओगड़ की प्रेमिका को कोई छू के निकल जाए ये नहीं हो सकता है। उस आशिक को तो ऊपर से लेकर नीचे तक चीर दूंगा और उसका सीना फाड़ दूंगा। नहीं फाड़ा तो काली नाम नहीं मेरा। ये मेरी वाट लगा के रहेगा। वाट लगा के रहेगा मतलब ये दुर्गा शंकर की पतलून उतरवा के रहेगा। वो हक तो सिर्फ इस मोना का है जी। ठीक है तो चलो। सर ये लिफाफा मंत्री जी ने भेजा है। तुम जा सकते हो। यस सर। हेलो। नमस्कार कमिश्नर साहब, दुर्गा शंकर बोल रहा हूँ। नमस्कार दुर्गा जी, जी बोलिए। अरे क्या बोलूं, मैंने अपने आदमी से एक लिफाफा भिजवाया है जिसके अंदर उस लड़की की तस्वीर है। आप देख लीजिए कमिश्नर साहब और कुछ कीजिए, उस लड़की का जल्द पता लगवाइए, ये मेरी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए दुर्गा जी, हर हाल में उस लड़की को मैं ढूंढ निकालूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। जी जी जी। जल्दी आ गया तू, कहाँ था रात भर? इनके साथ था। ये कौन है? योयो सिंह। योयो सिंह? हाँ माँ, याद है तुम्हें जब मैं पंजाब गया था, इनसे वही मेरी दोस्ती हुई थी और मुझे ये अपने घर लेके गए थे। इनका पूरा परिवार मुझे बेटे जैसा ही मानता है। हाँ तो ये बेचारा कल ही यहाँ आया है, स्टेशन पे उतरते ही इसका सारा पैसा चोरी हो गया, बस यही एक बैग बचा हुआ है। अरे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ माँ, इस शहर में मेरे अलावा इनका कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। अच्छा किया ना माँ? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक किया। पक्का ना माँ? अरे हाँ बेटा। देखा जोयो, मैंने कहा था ना मेरी माँ बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगी, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। चलो माँ के पैर छुओ। जीते रहो, खुश रहो, ये भी तुम्हारा ही घर है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब तक तुम्हारा दिल करे यहीं रहना। आओ। मम्मी मुझे तो दाल में ना कुछ काला लग रहा है। काला? कैसा काला? इसके पहले तो भैया किसी भी सरदार दोस्त के बारे में नहीं बताए थे, तो फिर आज अचानक क्यों? तू चुप कर, जब देखो तब शक करती रहती है, हमेशा अपने पापा से चिपकी रहती है ना, इसीलिए उनका असर तुझ पर पड़ गया है। एक खबरदार, पापा के कान मत भरना, मैं बात करूंगी उनसे, समझी? जी मम्मी। जा जाकर पढ़ाई कर। जा।
गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा। स्कूटी किसकी है? सरदार योयो सिंह की। सरदार योयो सिंह, ये कौन है? भैया के दोस्त पंजाब से आए हुए हैं। पंजाब से? हाँ पापा, मैंने ना कभी देखा ना सुना कि भैया का कोई दोस्त भी सरदार योयो सिंह है। आपको मालूम है तो पता नहीं, आप खुद ही अंदर चल के देख लीजिए। चलो देखूं तो कौन है। ए जानकी, ये सरदार योयो सिंह कौन है? सुनिए सुनिए, वो लड़का बहुत मुसीबत में है, उसे पूछताछ की नहीं प्यार की जरूरत है। वो लड़का बहुत परेशान है, उससे कुछ पूछताछ मत कीजिएगा जी। भाई तुम्हारे बारे में चिंटी और उसकी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रहो। तुम्हारे बहाने कम से कम ये भी तो घर में मिला करेगा। मच्छर। ये देखो मम्मी, कितनी सुंदर लड़की है। मुझे तो लगता है कि पापा भैया की शादी करवाना चाहते हैं। हाँ रे, ये तो बहुत ही सुंदर है। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का, यही हमारे घर की बहू बनेगी। ए, कैसा रिश्ता, किसकी बहू? ये लड़की तो खुद ही मंगनी करके भाग गई है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसे ढूंढ रही है। बरखुरदार, तुम हमेशा यहाँ वहां घूमते फिरते रहते हो, अगर ये लड़की तुम्हें कहीं दिख जाए तो मुझे खबर जरूर करना। ये लो, ठीक से पहचान लो इस लड़की को। वीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो क्यों? तुम्हारे पापा के पास मेरी तस्वीर पड़ी हुई है, वो मुझे पहचान लेंगे तो? तुम फालतू का टेंशन ले रही हो। अरे जब अब तक नहीं पहचान पाए तो आगे भी नहीं पहचान पाएंगे। टेंशन मत लो, हिम्मत रखो। तुम सरदार ही हो ना? हाँ? मैं पूछ रहा हूं कि तुम सरदार हो? जी। पक्का सरदार ही हो? जी। तो बिना पिए सोओगे कैसे? वीर के साथ तो बहुत पी होगी तुमने, आज मेरे साथ पियो। लेकिन पापा, मैं और दारू? अरे बेटा, मुझे सब मालूम है, कमिश्नर हूं मैं यहाँ का, चुपचाप पियो, समझ गए? ये लो, उठाओ, लो पकड़ो, चलो चीयर्स करो, चीयर्स, लो पियो। अरे पियो। अरे ये देखो। कितना नाजुक सरदार है भाई, सरदार तो पूरी की पूरी बोतल पी जाते हैं और तुम एक ही पैग में। पापा, बात ऐसी है कि ब्रांड चेंज हो गई है ना। अरे बेटा, बहुत बढ़िया ब्रांड है, इंपोर्टेड माल है, देखो इंपोर्टेड है। अब रहने दीजिए पापा, आज कुछ ज्यादा ही पी रहे हैं। चुप कर, आज मैं बहुत पीऊंगा, जी भर के पीऊंगा बस। अच्छा, माँ देख लेगी ना तो सब गड़बड़ कर देगी। अरे हट, मैं तेरी माँ से डरता हूँ क्या? शेर हूँ मैं, शेर। हाँ। ये क्या कर रहा है तू? क्या बात कर रहे हैं पापा? हाँ? माँ को देखते ही तो आपकी क्या होगा?
ए, हवा निकल जाएगी। कैसे हवा निकल जाएगी, कमिश्नर हूँ मैं। मिस्टर योयो, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ये पीने के बाद ऐसी बेकी बेकी बातें करता है। देख, मैं कमिश्नर हूँ, किसी से भी नहीं डरता, कमिश्नर हूँ। कमिश्नर? आप सिर्फ कमिश्नर है, वाइफ होम मिनिस्टर है, बीवी इज ग्रेट, हस्बैंड इज ऑमलेट, बीवी इज मंत्री, हस्बैंड इज ओनली संतरी। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग मिस्टर कमिश्नर? नो मिस्टर यो, मैं वो पति, वो हस्बैंड नथिंग। मैं बोलिंग बैठो तो बीवी बैठिंग, मैं बोलिंग उठो तो बीवी उठिंग, मैं अपनी उंगली पे बीवी को नचाई, उंगली पे, किस पे नचाई, उंगली पे। अब सब गड़बड़ होइंग, अब हम जाएंगे। जी जी जाइए। अरे बाप रे। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, ओ सीला और रानो कोई तो संभालो। कहीं हम गिर ना पड़े। पापा, मम्मी का गुस्सा तो सातवें आसमान पे है, आपका तो नशा उतर गया मगर मम्मी का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। हाँ, आज होम मिनिस्टर फायरिंग के मूड में है। चलो नाश्ता करो। क्या बात है? मेरा सर बहुत दुख रहा है। कुछ नहीं, सब रात के नशे का असर है, ठीक हो जाएगा। परेशान होने से क्या होगा? अरे तो क्या करे मोना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपने भाई को कैसे समझाऊं, क्या करूं। वैसे भी आप करते ही क्या है, जो कुछ भी करना होता है वो मैं ही करती हूं।
ये जान ले लो, चाहे ले लो दिल, दिल मर्जी जो चाहे कर लो, हॉट करो या चिल, हॉट करो या चिल। इस फाइल में उस लड़की का सारा डिटेल है जो आपने मंगवाया था। वेरी गुड ऑफिसर, वेरी गुड सर। और मैडम, मैडम का तो मूड ही खराब लगता है। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा, स्कूल से आ गई? जी पापा। और वीर सब ठीक है? हाँ पापा। राधा? जी अंकल। लड़की है, शुक्रिया भगवान। पापा, पापा, आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन कुछ करने से पहले इस लड़की की सच्चाई तो जान लीजिए। पापा को बता दो राधा कि सच बात क्या है। सहरे बदने जब छूकर जाए, बहकी पवने कोई पुरवैया, आती है अंगड़ा
बहकाए जिया बहकाए जिया धड़काए जिया बहकाए जिया जब सावन आए रे होके मगन मेरा मन मतवाला होके मगन मेरा मन मतवाला बन के पतंग उड़े मारे है हिलोर जाने मन मेरा कैसा मारे है हिलोर जाने मन मेरा कैसा कहीं जित चोर कोई आने वाला है क्या रे धड़काए जिया बहकाए जिया जब सावन आए रे चमेली मैं सोचूं बस अकेली पर समझूं ना पहेली जब से हुई है मेरे कातिल ये उम्र होश कुछ रहे ना मुझे कुछ भी ना खबर मारे है हिलोर जाने मन मेरा कैसा मारे है हिलोर जाने मन मेरा कैसा कहीं जित चोर कोई आने वाला है क्या रे ये बरसे पानी भीगे मेरी जवानी अंग मेरा ये भिगा कर पानी करे मनमानी ठंडी हवाएं मेरा तने सहताए बिजली चमके मेरे दिल को यू जलाए मारे है हिलोर जाने मन मेरा कैसा मारे है हिलोर जाने मन मेरा कैसा कहीं चित चोर कोई आने वाला है क्या मारे है हिलोर जाने मन मेरा कैसा मारे है हिलोर जाने मन मेरा कैसा कहीं चित चोर कोई आने वाला है क्या रे अरे राधा हाँ बारिश में क्यों भींग रही हो है? अरे पगली बीमार पड़ जाओगी खांसी सर्दी हो जाएगी मुझे कुछ नहीं होगा इंजीनियर साहब लेकिन आपके इसी विचार भावनाओं की गांव वाले तारीफ करते हैं अच्छा हाँ गांव के सभी लोग बात करते हैं कि इस एरिया में पहली बार कोई ऐसा इंजीनियर आया है जो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इस एरिया का विकास कर रहा है कौन क्या बात करता है मुझे क्या मालूम राधा मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ मगर एक बात मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ वो क्या तुम्हारे हाथ की बनी खीर एक बार खाया था उसका स्वाद आज तक नहीं भुला पाया अच्छा तब तो आज फिर आपको खीर खिलाऊंगी पक्का हाँ पक्का आज फिर से वैसी ही खीर बना के लाऊंगी ठीक है चलो ड्राइवर प्रणाम भैया जी क्या ठेकेदार यहाँ कैसे उस बड़े इंजीनियर ने काम बंद करवा दिया भैया जी मटेरियल का सैंपल भी ले गया और जांच पड़ताल की धमकी भी दे रहा था भैया जी अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो करोड़ों रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा आपका नाम भी खराब हो जाएगा भैया जी उसे हमारा नाम नहीं बताया क्या ये नहीं बताया क्या कि इस जिले का हर आदमी मेरा नाम कितने अदब से लेते हैं बताया सब बताया इस बड़ी हवेली में बड़े बड़े ऑफिसर सलाम ठोक के जाते हैं ये भी बताया लेकिन वो नहीं माना भैया जी वो इतना कुछ बोल गया
और तूने उसका कुछ नहीं किया। इंजीनियर अरे चल क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? अरे चल, अरे क्यों मुझे पकड़ कर ले जा रहे हो? चल अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? अरे अरे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो मुझे? चलो यमराज, तुम्हें बुलाया है। छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे कौन है तुम लोग? अरे मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकारी। चल मेरा नाम सुनकर शेर भी अपना रास्ता बदल देता है, और तुमने मेरे खिलाफ सर उठा दिया। काली इंजीनियर, आज तुम्हारा सर कुचल डालूंगा। चलो आज तुझे मौत का तांडव दिखाता हूँ। डाल दो गाड़ी में इसको। चल। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए वरना अनर्थ हो जाएगा। कहाँ चलना है, क्या हुआ? वो काली इंजीनियर साहब को उठा कर ले गया है, जल्दी चलिए वरना वो इंजीनियर साहब को मार डालेगा। ओ। तो ये मामला काली से जुड़ा है, समझा? तुम घबराओ मत, मेरे रहते इंजीनियर साहब को कुछ नहीं होगा। बस सिर्फ तुम रिपोर्ट लिखवा दो, फिर देखना मैं कैसे घसीट कर लाता हूँ उस काली को थाने में, क्योंकि मैंने वर्दी की कसम खाई है, कानून को वचन दिया है मैंने कि इस इलाके से काली की गुंडागर्दी खत्म करके ही छोड़ूंगा मैं। आज सबूत मिल गया है, काली की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा मैं। अब मैं दिखाऊंगा कि इंस्पेक्टर भोला सिंह किस तरह का पुलिस वाला है। भैया प्रणाम। भैया खुश रहो छोटे। काली तस्वीर मुझे मिल गई है, लड़की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। देख काली, रिश्ता अगर बनाना है तो प्यार का रास्ता अपनाना, तलवार और तकरार का नहीं, समझे? भैया अब तो ये रिश्ता बन के ही रहेगा, आपका आशीर्वाद भी मिल गया है। भैया भैया मैं बहुत खुश हूँ। भैया मैं बाद में फोन करता हूँ, खास मेहमान आ गए। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया भाई जी। भैया जी ये राधा के मामा संपत और उनकी मामी कलावती जी हैं। जी मालिक, ठेकेदार साहब बता रहे थे कि आपको राधा के बारे में कुछ बात करनी है मुझसे। राधा से कुछ गलती हो गई है क्या? मालिक अगर राधा से कोई गलती हो गई हो तो हम दोनों माफी मांगते हैं, मगर वो दिल की बुरी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं राधा की कोई शिकायत के लिए आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाया हूँ, मेरी बात कुछ और है। कुछ और बात? हाँ देखिए संपत बाबू, इस महल में राजा तो है लेकिन रानी नहीं है। हीरा मोती और करोड़ों रुपए के जेवरात से पूरी अलमारियां भरी पड़ी है, लेकिन उसे पहनने वाली कोई रानी नहीं है। हम कुछ समझे नहीं मालिक। अरे कुछ समझने की जरूरत नहीं है संपत, अरे मंदिर में जाके दिया जलाओ, गंगा नहाओ, राधा की तो किस्मत ही खुल गई। भैया जी राधा को दुल्हन बनाना चाहते हैं। मालिक मालिक, हमें ये रिश्ता मंजूर है मालिक। अरे हमारी भांजी का तो भाग्य खुल गया, आप शादी की तैयारी कीजिए। मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है संपत बाबू, समझे? मुझे राधा से शादी करनी है, एक बार उसकी भी मर्जी जान लो। अरे तो इसमें उससे पूछने की
क्या जरूरत है मालिक, कोई जरूरत नहीं है। राधा को जो हम दोनों कहेंगे वो वही करेगी। मगर मालिक, उसे पालने पोसने में, उसे बड़ा करने में हम दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। अब तो वो इस महल की रानी बनेगी, आपकी रानी बनेगी। लेकिन मालिक, जब वो चली जाएगी ना, तो हम दोनों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम दोनों लोग तो कंगाल हो जाएंगे। ठेकेदार जी, भैया जी, इन लोगों को 50 लाख रुपए और 50 एकड़ जमीन देने का इंतजाम करो। जी भैया जी। ठीक है, आप शादी की तैयारी कीजिए मालिक, शादी की तैयारी कीजिए। अरे हमारी तो किस्मत खुल गई, किस्मत। लड़ जाए है लड़ जाए हो लड़ जाए, जब नैना दिलदार तो कुछ भी ना नजर आए है, तो कुछ भी ना नजर आए। दिल साजन है, दिल साजन है, दिल साजन गई मैं तुझ पे हार, तेरी बातें सुनकर प्यार आए हाय, तेरी बातें सुनकर प्यार आए। धूप मुझको छाव लगे धूप रे, मन का मयूरा नाचे देख तेरा रूप रे। हाँ धूप मुझको छाव लगे धूप रे, मन का मयूरा नाचे देख तेरा रूप रे, देख तेरा रूप रे। मन का राजा है, मन का राजा, मन का राजा तू ही है, तू ही प्यार, तेरी बातें सुनकर प्यार आए हाँ, तेरी बातें सुनकर प्यार आए। मन हो जाए है, मन हो जाए जब बेकरार, तो कुछ भी ना नजर आए है,
तो कुछ भी ना नजर आए। तेरी बातें सुनकर प्यार आए हाय, तो कुछ भी ना नजर आए हाय, तेरी बातें सुनकर प्यार आए। मामी ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे बेटी तुम समझ नहीं रही हो, हम लोग किसी लंगड़े लूले भिखारी से नहीं। अरे तेरी शादी तो मैं यहाँ के राजा महाराजा से करवा रही हूँ बेटी, राजा महाराजा से। ए राधा बेटी सुनो, अरे काली बाबू से शादी करने के बाद ना सोने की थाली में खाओगी और चांदी के पलंग पर सोओगी बेटी। हाँ बेटी, सोने चांदी की चमक ने आप लोगों को अंधा बना दिया है मामा। रिश्ता दिल से होता है, दौलत से नहीं। वो मुझे खरीदना चाहता है और आप लोग मुझे बेच रहे हो। राधा बेटी ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ अरे तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद मैंने तुम्हें इतने छोटे से पाला पोसा, अपनी औलाद की तरह प्यार दुलार दिया और तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा रही हो बेटी। दुलार प्यार पालन पोषण फ्री में नहीं किया आप लोगों ने, मेरे मम्मी पापा ये घर द्वार रुपया पैसा जेवर गहना सब छोड़ कर गए थे। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटी, जब तुम छोटी थी नादान थी तब भी हम तुम्हारे बारे में सोचते थे, आज तुम बड़ी हो गई हो तब भी हम तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। बेटी हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता ऐसे घर में हो जाए जहाँ तुम राज करो, रानी बन के रहो। रिश्ता इंसान से होता है मामी, किसी शैतान या किसी जल्लाद से नहीं। काली से मैं शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगी, उसकी करतूत मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। गया गया हाथ से सब कुछ गया। अरे हट, ऐसे कैसे चला जाएगा? 50 एकड़ जमीन, 50 लाख रुपया ऐसे ही जाने दूंगे ना? अरे जब वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है तो माल मिलेगा कैसे? मिलेगा, माल मिलेगा। अच्छा काली बाबू को फोन लगाओ तुम। फोन काली बाबू को? अरे हाँ मैं बात करूंगी उनसे, लगाओ फोन। बात करो। हेलो मालिक प्रणाम। हाँ बोलिए। आइए। आज बड़ा शुभ दिन है मंगनी के लिए, मेरी होने वाली दुल्हन को बोलो कि उसका वर आ गया है, बुलाओ उसे। ये क्या बदतमीजी है, क्या तमाशा है ये? ऐसी शुभ घड़ी में अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए, आज शगुन का दिन है शान। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बहुत ही सुंदर हो तुम, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं अकेला जी नहीं सकता हूं, मुझे तुमसे शादी करनी है राधा। हाँ विवाह। Thank you.
नहीं 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 राधा नहीं, हम जिसे चाहते हैं उसे हम हीरे जवाहरात से नवाज देते हैं, और जिसे नहीं चाहते हैं उसका अंजाम देखना चाहोगी राधा? बोला उसका ये अंजाम होता है। ये उसी इंजीनियर का सर है जिसके लिए तुम थाने गई थी रिपोर्ट लिखवाने मेरे खिलाफ, और ये है वो रिपोर्ट। तुम्हें यही लिखवाई थी ना? एक बात याद रखना राधा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है समझ लो। तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूँ, इधर देखो, और जान ले भी सकता हूँ। I love you Radha। मलिक, चाहता तो इसे उठाकर ले जाता, मगर नहीं, प्यार से डोले में बिठा कर लेके जाऊंगा। अब ये मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना। बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी अमानत को हम संभाल कर रखेंगे। लेकिन मालिक, 50 लाख रुपए और 50 एकड़ जमीन मिल जाएंगे। मामा, कोई जब भी अपनी माँ को बुलाता है ना, तो सिर्फ एक बार माँ कहता है। आपको तो मैंने जब भी बुलाया, दो बार माँ माँ कह के बुलाया। आपकी जिम्मेदारी तो दुगनी हो गई ना मामा, फिर भी आपने मुझे बेच दिया। आपको मैं क्या समझती रही मामा, और आप क्या निकले? ए बेवकूफ मामा, मामा हम जिसे चाहते हैं उसे हम हीरे जवाहरात से नवाज देते हैं, और जिसे नहीं चाहते हैं उसका अंजाम देखना चाहोगी राधा? एक बात याद रखना राधा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है समझ लो। तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूँ, और जान ले भी सकता हूँ। I love you राधा। मालिक, पता नहीं कब कैसे वो बेवकूफ अंगूठी फेंक कर भाग गई। बस एक ही मिनट के लिए आंख लग गई, और वो ना जाने कब निकल गई। अरे तो इतना चिंता क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं है, अच्छा समाचार है। वाह वाह, बहुत ही अच्छी खबर लाए हो। वाह, अरे क्या हुआ? अरे अरे कहाँ भागे जा रही हो तुम? क्या हुआ? ये अंगूठी नहीं है, ये मेरी इज्जत शान हवेली का मान मर्यादा, और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये मेरी मोहब्बत थी, मोहब्बत। अरे तुम बड़ी लालची औरत हो ना, लालची औरत। धन की भूखी हो, बहुत ही भूख लगी है ना, भूख लगी ना तुम्हें? हीरा खाओ, हीरा खा, मुंह खोल, मुंह खोलो, खा, अब मुंह बंद करो।
निकल ले। राधा, तुझे तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। औघर प्रेमी हूं मैं, कहां जाओगी तुम भाग के? जानकी जी। जब तक मैं लौट कर वापस ना आ जाऊं तब तक ये दोनों घर से बाहर ना जाने पाएं। ध्यान रखना जी। राधा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। कमिश्नर साहब, आप यहाँ? हाँ, वो लड़की मिल गई। क्या? वो लड़की मिल गई? हाँ, वो लड़का भी मिल गया मिस्टर काली। कौन है वो लड़का और कहाँ पे है वो? हमारे घर में है, मेरा बेटा, जो उस लड़की की हिफाजत कर रहा है। इस समय वो दोनों मेरे घर में हैं। कल तक मैं अपने बेटे को नकारा समझ रहा था, लेकिन आज उस लड़की की कहानी सुनने के बाद गर्व हो रहा है, मुझे फक्र हो रहा है कि वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। वो लड़की मेरी मंगेतर है, मंगनी हो चुकी है उसके साथ मेरी। हाँ, जोर जबरदस्ती करके अंगूठी पहनाने को तुम मंगनी कहते हो काली। वो मंगनी नहीं, उस लड़की के साथ जुल्म हुआ था, गुनाह किया है तुमने उसके साथ। गुनाह? और मैं? अरे गुनाह तो तुम्हारे लड़के ने किया है कमिश्नर, मेरी होने वाली बीवी पे नजर डाल के, मेरे खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके। गुनाह तो उसने किया है, उसने, इसकी सजा तो मिलेगी इसको। तुम देखना उसकी सजा, सारी दुनिया कांप जाएगी, ऐसी सजा दूंगा। मेरे बेटे ने गुनाह नहीं, उस लड़की की इज्जत की हिफाजत की है काली। और रही सजा की बात, तो वो मैं मुकर्रर करूंगा, कौन से गुनाह में कौन सी दफा लगेगी वो मैं तय करूंगा, मैं। मैं अपनी अदालत का खुद ही जज हूं, मैं फैसला करता हूं कि किसको जिंदगी देनी है और किसको मौत। और मेरी अदालत ने तुम्हारे बेटे के लिए मौत मुकर्रर कर रखी है, और अब भगवान भी उसे नहीं बचा सकता है कमिश्नर। मेरे बेटे को तू छोड़ काली, अपने बारे में सोच, उसके ऊपर का हिस्सा किसका हुआ है? अगर वो कहीं बिगड़ गया और तुम उसके सामने आ गए, तो तुम्हारा वो हाल करेगा कि ना मुर्दा रहोगे और ना जिंदा रहोगे। ए कमिश्नर, संभाल संभाल के बात करो, काली कोई और नहीं, मेरा भाई है। तो समझाइए अपने भाई को, होश में ले आइए इसे। होश में तुम आओ कमिश्नर, मंत्री है हम यहाँ के मंत्री, सिर्फ एक दिन लगेगा तुम्हारा ट्रांसफर करवाने में। घंटा, एक घंटा लगेगा इसका एनकाउंटर करवाने में, सिर्फ एक घंटा। अरे अरे, ए, 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 काली, क्या पागल हो गए हो क्या? कमिश्नर को गोली मार दी। बीच में कुछ मत बोलो भैया, कुछ मत बोलो, बीच में सर पे खून सवार हो गया है मेरे, और मेरे और राधा के बीच में जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा।
अरे मगर गाड़ी निकाल और चल कमिश्नर के घर। ये क्या हो गया, अब जनता को क्या जवाब दूंगा? तू इस लड़की से प्यार करता है? हाँ माँ। सच्चे दिल से प्यार करता है? हाँ माँ। इसकी हिफाजत कर सकता है? हाँ। तो फिर इस लड़की को लेकर निकल जाए यहाँ से। लेकिन माँ। बेटा, मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए तू राधा को लेके निकल जा यहां से। ठीक है मां। लेकिन बेटा, सवाल मेरे सम्मान का और तुम्हारे पापा की शान की है। भरोसा रखो मां, मैं तुम्हारे सम्मान और पापा की शान पे आंच नहीं आने दूंगा मां। भैया, अगली बार इनको सरदार नहीं, मेरी भाभी बनाकर लाइएगा। जीते रहो। अपना ख्याल रखना बेटी। जी। ये और तेज भगा, और तेज, और तेज। पीछे काली है। राइट ले, राइट ले, राइट ले। ए और तेज भगा, चल। नालायक, गोली चला रहा था, मेरी राधा को लग जाती तो। और फास्ट चल, चल चल। ए 100 पे चला गाड़ी। और तेज, उसके पास ले। हाँ, पकड़ 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 पकड़। ए राइट राइट राइट, ले राइट। कहाँ गए वो, कहाँ गए वो दोनों, कहाँ गए वो दोनों? नजर दौड़ाओ, कहाँ है दोनों? अरे कहाँ गए दोनों? जाओ सब लोग, ढूंढो उन दोनों को। मैं भी कितनी बदनसीब हूं, बचपन में मम्मी पापा का साथ छूट गया
बड़ी हुई तो मामा मामी ने धोखा दे दिया। अब और जो तुमसे प्यार किया तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई। अरे नहीं पगले, प्यार मुसीबत नहीं, जिंदगी की डोर होती है। और अब तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं, मेरा है। पापा, हे भगवान, पापा, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? जानकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो वीर और राधा कहाँ पर हैं? आपके मना करने के बावजूद भी मैंने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया है जी। ठीक किया, तुमने ठीक किया जानकी, नहीं तो आज मेरे हाथ से पता नहीं क्या हो जाता। पापा, जानकी, मुझे कुछ नहीं होगा। प्यार में न छूटेगा अब अपना एहसास, प्यार में न छूटेगा अब अपना एहसास। आँखों में तुम ही तुम हो, धड़कनों में तुम हो, जन्मों जन्म तक होगा हाथों में हाथ। प्यार में न छूटेगा अब अपना ये साथ, प्यार में न छूटेगा अब अपना ये कोई भी सितम पिया, हट गाना पीछे हट गाना अब ये कदम पिया। छोड़ेगा ना हाथ तेरा अब ये दीवाना, दुनिया भले ही यारा छोड़े मेरा साथ। प्यार में न छूटेगा अब अपना ये साथ, प्यार में न छूटेगा अब अपना ये साथ। देखो बैरी हुआ अब सारा जग पिया, लग मुझे मुझको छुपा ले पिया। जान मेरी जान हो तुम, तुझे क्या कहूँ मैं, आँखों में आकर पढ़ लो मेरे दिल का हाल। प्यार में न छूटेगा अब अपना ये साथ, प्यार में न छूटेगा अब अपना ये साथ। प्यार में न छूटेगा अब अपना ये साथ, प्यार में न छूटेगा अब अपना ये साथ। Thank you.
राधा, का है तड़ाव। जितना तू इसके लिए तड़पता है ना, उससे ज्यादा मैं राधा के लिए तड़पता हूं, समझे? औघड़ प्रेमी हूं मैं। आज इस प्यार के तड़प को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा आज तुझे। कैसे? तड़पा तड़पा के। इस याद से मेरी राधा को तूने छुआ था ना, मेरी राधा को छुआ था ना, इस याद से नजर फेर ली तुमने? क्या हुआ? अरे जब तुमने उसे प्यार किया था तो नजर मिला के ही किया था ना, आंखों में आंखें डालकर प्यार किया था तुमने, तो उसी नजर से ये भी देख लो। देख
अरे देखो ना, लटका दो इसे। सूली पर इसी जगह तड़प तड़प कर मर जाएगा, ताकि इसका ये अंजाम देखकर कोई और काली के सामने सर उठाने की हिम्मत ना करे। हेलो, बाय, गुड लक। क्यों मातम मना रही हो? हाँ, क्या हुआ? ए राधा, आंखों में आंसू क्यों है? अरे पगली, जिसकी याद में तुम यहाँ रो रही हो उसको तो अब तक चील कौवे नोच नोच कर खा गए होंगे, वो तो उनके पेट में भी चला गया होगा। उठो, शादी का जोड़ा पहन लो, सारे बराती आ गए होंगे। हाँ, तू इस तरह जोर जबरदस्ती से सिर्फ मेरा जिस्म हासिल कर सकता है काली, मेरा दिल, मेरी आत्मा नहीं। जो जीतना था वो तो मैं जीत चुका हूं, अब तो बस तुम्हारे मांग में सिंदूर भरना बाकी है। राधा मंडप सज चुका है, जश्न की जोर शोर से तैयारी हो गई है। अरे सुनो। जी मालिक। मैडम को 5 मिनट में तैयार करके मंडप में लेकर आओ, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट। जी मालिक। तैयार होके आ जाओ। आज आग लगेगी सबके दिल में।
आशिक दीवाना ये है दो दीवाने सबको हिला देगा ये ऐसा दीवाना ये है हाथों में जान है मोहब्बत की शान है प्यार की ये खा के कसम चाहत के सर को ये झुकने न देगा दिखा देगा कितना है दम दो दीवाने दो दीवाने दो दीवाने दो दीवाने दुश्मन है जो प्यार का जाएगा वो हार के दो दीवाने झंडा मोहब्बत का जाएगा ये गार के सीने में आग है आंखों में ज्वाला कर देगा लंका दहन आंधी तूफान है ये वो चट्टान है पीछे हटाए ना कदम दो दीवाने 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 प्यारे, तुझे तो मैं चील कौओं का खाना बनाकर वहां सूली पे छोड़ आया था, बच कैसे गया रे? हाँ, जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। तुझे अपनी ताकत पे घमंड था और मुझे अपनी मोहब्बत पे विश्वास। प्यारा है या अपनी कुर्सी प्यारी है? Thank you.
राधा। तू हार गया काली, और मेरा प्यार जीत गया। जीत गया। जीत गया। एक दवा है लव का इंजेक्शन। पल पल सोचूं ना जाने क्या देगा क्या रिएक्शन। सब रोगों की एक दवा है लव का इंजेक्शन। तेरी ये बातें सुन रे, कुछ तो बताओ अब क्या कर रहे। जब आई मेरे छुई मोई छुई मोई छुई मोई छुई मोई। दिल पे लगा ले तू गोरी, दिल पे लगा ले तू गोरी, ये प्यार वाला सुई 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 सुई। रोग लगाए इश्क वाला, रोग लगाए इश्क वाला, जवानी मेरी छुई मुई 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 छुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई। तेरे दिल के कॉलेज में कर दे मेरा एडमिशन। लेना होगा घर से मम्मी डैडी का परमिशन। अरे तेरे दिल के कॉलेज में कर दे मेरा एडमिशन। लेना होगा घर से मम्मी डैडी का परमिशन। ऐसी वैसी तुम्हारी बातें नींदें उड़ाए गोरी मेरी, जवानी तेरी